आइसोमेरिज्म हम लोगों ने स्टार्ट किया था, स्ट्रक्चरल कर रहे थे, और स्ट्रक्चरल में हमने कौन कौन से कर लिए थे। स्ट्रक्चरल की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरल में हमने कर लिए थे चेन पोजीशन और फंक्शनल कर लिए थे ना, फंक्शनल कर रहे थे। ये देखो, ये इनके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो इनको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखना है कि भाई सही है गलत है क्या है, और जिनके आंसर नहीं आएंगे वो आप मुझसे पूछोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया है। अभी मैं सॉल्व भी करवा दूंगी तो आपका दिमाग नहीं चलेगा, तो पहले आप अपना दिमाग चलाओ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म की, इस पे ही टॉपिक छोड़ा था उस दिन लास्ट में। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन या मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इनकी पोजीशन की बात होती है, या सब्स्टिट्यूएंट, अगर कार्बन का सेम स्केलेटन है, कार्बन चेन आपकी सेम है, ठीक है। अब सपोज कहीं पे कार्बन चेन सेम है और क्लोरीन डिफरेंट पोजीशन पे है, तो उसको भी हम पोजिशनल आइसोमेरिज्म बोलेंगे, पोजिशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे, ठीक है। देखिए जैसे ये है आपका, ये एल्केन है फर्स्ट वाला एग्जाम्पल। आवाज सबको प्रॉपर आ रही है, ठीक है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप अगर हम देखें तो ये देखो आपका ये चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ये 5 कार्बन 6 कार्बन के टोटल चेन है, और यहां पे अगर हम देखें तो कितनी हो गई, ये भी 5 6 कार्बन की चेन है। तो ये दोनों की अगर हम बात करें तो ये किस तरीके के होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे। इसमें हाइड्रोजन नहीं लगाए गए, हाइड्रोजन लगा सकते हो आप, अंडरस्टूड है। आवाज आ रही है सबको? कार्बन चेन सेम है क्या इसमें? कार्बन का बेसिक स्केलेटन अगर देखो तो वो सेम है क्या? हाँ देखो, यहां पे भी 5 कार्बन की चेन है, यहां पे भी 5 कार्बन की चेन है, यहां पे आपका मिथाइल ग्रुप आपका सेकेंड पोजीशन पे है, यहां पे मिथाइल ग्रुप किस पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है, यही देख पा रहे हैं हम लोग। तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया, चेन नहीं होगा, कैसा होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो, इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है, सेकेंड में भी डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है, 4 कार्बन का है, ये ब्यूटीन 1 है और ये ब्यूटीन क्या है, 2, सेकेंड पे डबल बॉन्ड है। अब यहां पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड, तो 5 कार्बन का आयन है, तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटाइन 1 या पेंटाइन बोल सकते हैं हम लोग, और ये क्या हो गया, पेंटाइन 2। क्लियर है सबको? यहां पे भी देख लो एल्कोहलिक ग्रुप की पोजीशन है, 4 कार्बन का चेन है दोनों में, कार्बन का स्केलेटन तो सेम है, लेकिन यहां पे क्या है आपका, एल्कोहल सेकेंड पोजीशन पे लगा हुआ है, ब्यूटेनॉल 2, और अगर ये वाले को देखें तो यहां से काउंटिंग हो जाएगी, तो ये हो गया ब्यूटेनॉल 1। तो ये सारे एक दूसरे के क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर। फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन है, राइट ऑल पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन का मतलब है बेंजीन रिंग के ऊपर 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। अब कौन कौन से पोजिशनल आइसोमर्स इसमें बन सकते हैं अगर हम बात करें, तो सीएल और सीएल यहां पे लगा दो, तो ये डाइक्लोरोबेंजीन हो गया, कौन सी पोजीशन हो गई, 1-2 पोजीशन बोलते हैं इसको। अगर हम लोग इसको ऐसे लगा दें तो ये 1-3 पोजीशन हो जाएगी, और अगर हम इसको यहां पे लगा दें नीचे की तरफ अपोजिट, तो ये 1-4 हो जाएगी क्या? अच्छा, एक ही कार्बन पे लगा सकते हैं हम लोग,
एक कार्बन पे लगाया जा सकता है क्या? यहाँ पे जो कार्बन है, देखो यहाँ पे जो कार्बन है, एक बॉन्ड ऑलरेडी है, एक बॉन्ड यहाँ पे है और एक बॉन्ड आपका सीएल से अटैच है। अब आपका हाइड्रोजन तो है ही है, तो हाइड्रोजन को आप हटा करके ही सीएल लगा सकते हो। हाइड्रोजन को हटाओगे तो कहाँ पे लगाओगे? तो इसलिए एक ही कार्बन पे दो सीएल तो हम लगा नहीं सकते, वो पोजीशन नहीं बन सकते। तो कितने पोजिशनल आइसोमर्स हो गए डाइक्लोरोबेंजीन के? 3 आ गए। अब देखो ये C6H12 साइक्लो एल्केन, ठीक है। अब इसके देखो कितने पोजिशनल बनाए हुए हैं ये। ये आपका C6H12 है, इसमें क्या किया आपके CH2 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 सारे आपके इस तरीके से बना दिया। अब क्या किया, 5 कार्बन की रिंग बना दी। 5 कार्बन की जैसे ही रिंग बनाएंगे वैसे ही एक मिथाइल बार की तरफ लगा दिया। फिर 4 कार्बन की रिंग बना दी, 4 बना दी कार्बन की रिंग तो 2 मिथाइल बार की तरफ लगा दिया। फिर उसके बाद ये जो 2 मिथाइल है इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया। भाई यहाँ पे पोजीशन क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 4 कार्बन है तो 1 पे लगाया, 2 पे लगाया इसको मिथाइल को, और अगर हम इसको 3 पे लगा देते तो 1 3 बन जाएगी। फिर से अगर यहाँ पे लगाओ तो ये पोजीशन सेम आ जाएगी 1 2 की। तो इसका मतलब अगर हम साइक्लोब्यूटेन की बात करें तो साइक्लोब्यूटेन में 2 बन सकते हैं, एक तो आपके एडजेसेंट लगा दो मिथाइल और एक आपके कहाँ पे लगा दो, अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो, तो ये बन जाएगा 4 कार्बन का। अब 4 कार्बन में देखो एक केस और बन रहा है, 4 कार्बन पे यहाँ पे डबल मिथाइल लगा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 कार्बन ले लिया, अब 3 कार्बन ले लिया तो टोटल 6 कार्बन बनाने हैं तो 3 मिथाइल लगा दिए, सिंगल बॉन्ड का कंपाउंड है। फिर उसके बाद 3 कार्बन पे यहाँ पे 3 मिथाइल अलग अलग लगाए थे, यहाँ पे क्या किया, एक पे ही आपने प्रोपाइल ग्रुप लगा दिया, तो भी बना सकते हो। ये प्रोपाइल लगा दिया, यहाँ पे आइसो प्रोपाइल लगा दिया, यहाँ पे क्या लगाया प्रोपाइल, और यहाँ पे क्या लगा दिया आइसो प्रोपाइल। तो इसको हम जब कंप्लीट ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा ही तो दिखेगा, तो ये वाला ग्रुप आइसोप्रोपाइल होता है, 3 कार्बन ये और 3 कार्बन ये, चेन के बाहर लगा दिए। फिर अगली पोजीशन क्या बनाई, एक को मिथाइल कर दो और यहाँ पे इथाइल लगा दो, रिंग 3 कार्बन की, यहाँ पे इथाइल और यहाँ पे मिथाइल। फिर क्या किया, एक पे ही हमने मिथाइल लगा दिए 2 जैसे ये लगाए थे, और यहाँ पे आपका क्योंकि 2 कार्बन पे यहाँ लगा दिया, 3 की रिंग है तो आपके कितने, 1 कार्बन और बच जाएगा, एक यहाँ पे लगा दो। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई ये वाले में हमने अलग अलग मिथाइल मिथाइल लगाए थे, 4 कार्बन की रिंग जब बनाई थी तो 4 कार्बन के साथ 2 कार्बन लगा दो, आप इथाइल भी लगा सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से अगर इस एल्केन को देखो C6H12 के, तो इसके कितने सारे साइक्लिक, ये कैसे आइसोमर्स हैं, चेन है पोजीशन है, कैसे आइसोमर्स है बताइए। क्या बोलेंगे इसको, जैसे हाँ जैसे ये क्वेश्चन क्वेश्चन आपके ये है, 3 एंड 4 को पूछा जा रहा है, तो 3 एंड 4 को अगर देखो तो 3 एंड 4 में बेसिक जो कार्बन की चेन है वो 4 कार्बन का है साइक्लिक, और यहाँ पे पोजीशन चेंज है मिथाइल की, ये 1 2 पोजीशन है और ये वाली 1 3 पोजीशन है। सबको क्लियर है ये बात, ठीक है। तो ये कौन से हो गए आपके पोजीशन हो गए। अब 3 एंड 6 को कर देखो, तो 3 एंड 6 में 3 आपका यहाँ पे है और 6 कहाँ पे, ये कौन सा होगा, इसमें भी कार्बन चेंज, हाँ ये दोनों भी पोजिशनल होंगे क्योंकि इसमें कार्बन चेन सेम है। 4 6 की बात कर लो, 4 और 6 को देखो, 4 ये वाला है और 6 ये भी 4 कार्बन वाला, और ये भी पोजिशनली बनेगा। और फिर उसके बाद इन्होंने किसका पूछा है, 5 एंड 10 का पूछा है, तो 5 एंड 10 देख लो, 5 ये आपका 3 कार्बन और 10 में भी 3 कार्बन की बेसिक चेंज है, आपका पोजीशन चेंज की गई है मिथाइल ग्रुप की।
बेसिक चेन थ्री कार्बन की और पोजीशन चेंज की गई है, तो ये भी पोजिशनल होगा। सारे ये एग्जांपल पोजिशनल के जो पूछे। क्लियर है बात? नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की, तो फंक्शनल आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है, ठीक है। इसमें क्या करना है हमें, फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करें तो इसमें जैसे कि एक एग्जांपल है आपका कि डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, डबल बॉन्डेड आपका एल्कीन है, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बना सकता है किसके साथ, रिंग चेन के साथ। इसका मतलब अगर डबल बॉन्ड वाला एल्कीन है तो आपका वो एल्केन के साथ, और कौन से एल्केन के साथ, साइक्लिक या साइक्लो एल्केन के साथ वो क्या बना सकता है, रिंग चेन आइसोमर्स, ठीक है। भाई ये चार कार्बन का है, अगर इसको हम ऐसे देखें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होगा इसका, ब्यूटीन का C4H10 होगा, H8 होगा, ठीक है। ये C4H8 है, और अगर इसको भी देखो तो ये भी तो C4H8 ही है, CH2 ही तो है ये सारे। तो इसका मतलब अगर एल्कीन है तो एल्कीन किसके साथ बना सकता है फंक्शनल आइसोमर, साइक्लो एल्केन के साथ। अब नेक्स्ट अगर आप बात करें तो नेक्स्ट की बात करो तो आपका अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड आपका बना सकता है डबल बॉन्ड के साथ। ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ बना सकता है, डबल बॉन्ड के साथ। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं भाई ये वाले को, अगर इसको चेक करो तो ये CH3 CH2 CH यही तो है, तो कितने कार्बन हो गए इसमें, C4H6 हो गए। अब इसको देख लो, इसको बना के देख लो, सेम मिल रहा है क्या, ये CH2 डबल बॉन्ड, कार्बन 4 हो गए और हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। क्लियर है? तो इसका मतलब एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड और एल्का डाइईन मतलब डबल बॉन्ड होगा, और कितने होंगे डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड होंगे। ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बना सकते हैं। उसके बाद देखो साइक्लिक एल्केन की बात करें या साइक्लो एल्कीन की बात करें, नॉट एल्केन, साइक्लो एल्कीन की बात करें, तो साइक्लो एल्कीन भी बना सकता है एल्काइन के साथ। कैसे, अगर इसको देखो आप तो फॉर्मूला सेम आएगा क्या, चेक कर लो भाई, ये है, ये आपका C4H6 था फॉर्मूला, ट्रिपल बॉन्ड था, एल्काइन था। यहाँ पे अगर देखो तो ये वाला हो गया CH2 CH2, ये हो गया आपका कौन सा बॉन्ड, यहाँ पे 3 है तो CH CH हो गया, तो CH2 CH2 और CH CH, तो कार्बन हो गए आपके 4 और हाइड्रोजन हो गए आपके 6, तो आपका ये भी बना सकता है साइक्लो एल्कीन। अब बाईसाइक्लो कंपाउंड को देख लो, बाईसाइक्लो में इस तरीके से आपके दो आपकी साइक्लिक चेन होती हैं। तो अगर यहाँ पे देखो तो ये CH2, ये वाला CH2, और ये कैसा बनेगा, 1 2 3 बॉन्ड है, तो ये CH बन जाएगा और ये भी CH बन जाएगा, तो सेम फॉर्मूला मिल रहा है हमको। इसका मतलब एल्काइन की अगर हम बात करें तो वो डाईईन के साथ बना सकता है, साइक्लो एल्कीन के साथ बना सकता है, और बाईसाइक्लो कंपाउंड के साथ बाईसाइक्लो एल्केन के साथ बना सकता है। क्लियर है बात? आवाज आ रही है? हाँ। ए एंड बी, ये देखो ये एल्का डाईईन है और ये डाई यहां पे ईन है, तो फंक्शनल ग्रुप तो नहीं चेंज हो रहा है ना, ए एन बी इसके फंक्शनल आइसोमर है ए बी सी, ये 1 के फंक्शनल आइसोमर है ए बी सी, लेकिन ए और बी आपस में फंक्शनल आइसोमर नहीं हो सकते, ये लिखा हुआ, ये स्पेशल बात है इसके लिए, इन तीनों के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पे भी डबल बॉन्ड है और यहां पे भी डबल बॉन्ड है, भाई 2 है यहां पे 1 है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो सेम है ना,
और इन सब में फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है भाई, ये ट्रिपल बॉन्ड है ये डबल हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड है ये डबल हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड वाला बन गया। क्लियर? नेक्स्ट है आपका एल्कोहल ईथर के साथ शो करता है। कई बार ऐसे फॉर्मूला बनाने पड़ते हैं हमको, जैसे 12th क्लास में आपको, कि भाई कोई एल्कोहल दे दिया वो किसके साथ शो करेगा, फंक्शनल आइसोमर उसका लिखिए। तो वो क्या बनाता है, एल्कोहल ईथर के साथ बनाता है, एल्डिहाइड कीटोन के साथ बनाते हैं, एसिड की अगर हम बात करें तो वो एस्टर के साथ बनाते हैं। कैसे ले सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल, जैसे एल्कोहल का और इसका तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल शायद लास्ट क्लास में आपको बताया भी होगा, इथाइल एल्कोहल है और ये क्या है डाइमिथाइल ईथर, इथेनॉल इसका आईपीएसी नाम हो गया और इसका नाम हो गया मिथॉक्सी मीथेन। अब अगर हम बात करें एल्डिहाइड और कीटोन की, तो एल्डिहाइड जैसे सपोज हमने 3 कार्बन का कोई एल्डिहाइड ले लिया, ये आपका प्रोपेनल्डिहाइड, ठीक है। अब हमको इसको कन्वर्ट, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेगा किसके साथ, कीटोन के साथ, तो 3 कार्बन का कीटोन बना देते हैं। पहला कार्बन 3 कार्बन का ही पहला कीटोन होता ही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि कीटोन में क्या कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन होती है। तो अगर देखो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिलेगा हमको, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन देख लो आपके कितने, 3 + 2 = 5 = 6 और यहां पे भी 3 + 3 = 6 ऑक्सीजन 1। क्लियर है? इसी तरीके से एल्डिहाइड कीटोन के साथ एसिड एस्टर के साथ शो करता है कौन सा आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एमीन तीनों एक दूसरे के साथ शो कर सकते हैं, कौन कौन से, 1 degree, 2 degree and 3 degree। भाई 1 degree, 2 degree, 3 degree एमीन की क्या पहचान होती है, एल्काइल ग्रुप लगा होगा और 1 degree में NH2 होता है, 2 degree में 2 alkyl हो सकते हैं और NH हो सकता है, और 3 degree में क्या होता है, N होता है और 3 alkyls हो सकते हैं। ये एल्काइल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी, और ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे बेसिक कंडीशन ली हुई है, 3 कार्बन का ले लिया, तो 3 कार्बन का अगर ले लोगे तो इसको हम बोलेंगे प्रोपेनामाइन, और यहाँ पे अगर देखो तो इस NH2 को आप NH में कन्वर्ट कर दो, NH बीच में ले आ दो, तो ये वाला कार्बन जब साइड में जाएगा तो यहाँ पे तो CH2 रहेगा, लेकिन साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा। जैसे यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और ये CH3। तो ये 1 degree से 2 degree बन गया और आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे देखो ये 3 degree बन सकता है, कैसे, यहाँ पे CH3 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 तीनों का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो तो सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया। कैसे, वैसे तो आप बोलो तो आप एमीन है, लेकिन कैसा हो गया, एक 1 degree, दूसरा 2 degree, तो तीसरा 3 degree, तो इसको हम फंक्शनल आइसोमर्स बोल सकते हैं। साइनाइड और आइसोसाइनाइड में केवल बॉन्डिंग का अंतर होता है और लेकिन ग्रुप चेंज हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको भी बोलते हैं फंक्शनल। इसमें आपका CN होता है और इसमें ये वाला जो कार्बन होता है चेन का वो NC से, इसीलिए जब हम IPAC नेम लिखते हैं तो ये वाला IPAC नेम में काउंट नहीं करते, क्यों, क्योंकि जो कार्बन चेन लेते हैं वो कैसे लेते हैं, हम लोग कंटिन्यूएशन में लेते हैं, 1 2 3 ऐसे, 1 2 3 ऐसे लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूएशन ब्रेक हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन आ गया इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, तो 2 कार्बन कंसीडर किया जाता है, इसीलिए देखो इसका नाम इथेन है और इसका नाम क्या है, प्रोपेन नाइट्राइल। ये बात क्लियर है सबको? तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में आपको क्या ध्यान रखना है कि कौन कौन से ग्रुप एक दूसरे के साथ बनाते हैं, और आपको इसकी बेसिस पे ABC करके इस तरीके के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, देयरफॉर नॉट कंसीडर एज ए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जैसे आपका डबल बॉन्ड के साथ OH, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे OH, फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ OH, फिर उसके बाद 2 OH, ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है। जैसे ही किसी भी एक कार्बन पे 2 OH लग जाते हैं ना,
ये कंपाउंड हो जाता है अनस्टेबल और इससे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, मतलब ये इसकी स्टेबिलिटी है ही नहीं। फिर उसके बाद एक कार्बन पे ही OH और OR ये वाला भी स्टेबल नहीं होगा। फिर आपकी ये वाली कंडीशन और एनी परॉक्सी कंपाउंड, इनके बारे में क्या है कि ये रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए इनको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी है आइसोमर्स में मेटामर्स की। अब मेटामर्स क्या होते हैं, देखो मेटामर्स में ऐसे ग्रुप्स आएंगे जो आपके मिड में आते हैं, मतलब कि आपका कार्बन एंड पे नहीं आएंगे। तो अगर हम बात करें तो मेटामेरिज्म शो हो सकता है, जैसे इसमें याद रखेंगे कीटोन ग्रुप बीच में आता है लेकिन कीटोन नहीं शो करता है मेटामेरिज्म। कौन कौन से शो कर सकते हैं आपके, इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मेटामर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा, फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहेगा, सेम टू सेम होगा। क्या चेंज होगा, कार्बन जो आपका ग्रुप है वो एंड्स के बीच में मूव इन बिटवीन एंड्स ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन के बीच में मूव करेगा। जैसे इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, आवाज वगैरह आ रही है ना बेटा? कोई भी दिक्कत हो तो सर के नंबर पे फोन कर देना, सर का फोन मेरे पास है इस समय, क्योंकि हमारे इधर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो अगर हम बात करें जैसे ईथर की बात कर लो, तो ईथर शो करता है मेटामेरिज्म। तो क्या बताया मैंने, जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कार्बन चेन के जो एंड्स होते हैं उनके बीच में मूव करेगा। जैसे मान लो ये है, ठीक है, तो यहां पे अगर ईथर देखो तो कैसा है आपका, ये एक कार्बन एक तरफ है और चार कार्बन एक तरफ है, इस तरीके से है। तो इसका आईपैक अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी प्रोपेन लिखेंगे, ब्यूटेन। भाई ईथर के आईपीएसी नेम में हम लोग क्या करते हैं, छोटा वाला जो ग्रुप होता है उसको एल्कॉक्सी लिखते हैं और बड़े वाले ग्रुप को हम लोग क्या लिखते हैं, एल्केन। तो इसको एल्कॉक्सी लिख लेते हैं, तो ये आ गया मेथॉक्सी, और दूसरा वाला क्या आ गया, चार कार्बन है तो ब्यूटेन। अब अगर हमें इसका मेटामर बनाना है, मतलब ये जो ईथर ग्रुप है इसको इस एंड और इस एंड के बीच में मूव कराना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, ऑक्सीजन को यहाँ पे कर दे तो दो कार्बन इधर और दो कार्बन तीन कार्बन इधर हो जाएंगे, ऐसा बन सकता है। भाई टोटल कितने कार्बन है अपने पास, 4+5 तो है ना, ऐसा बन सकता है। अब आप बोलोगे और मूव करा दो, जब और मूव कराओगे इधर ना तो यही वाला आपका एक और हो सकता है, बन सकता है क्या, देखो एक और मूव करा देते हैं। अब देखो ये एकदम जब इधर हमने मूव किया तो इधर ये सेम ही बन गया, भाई इधर से काउंट कर लो तो ये तो नहीं है, है ना, ये तो सेम ही कंपाउंड है। तो इसका मतलब इसमें मेटामर अगर हमें बनाना है तो हम ऐसे बना सकते हैं। और एक और तरीका हो सकता है, अगर एक तरफ आइसोप्रोपाइल लगाओ तो एक और आइसोमर बना सकते हो, देखो देख पा रहे हो, ठीक है, इसको हमने क्या करा, इस तरफ आइसोप्रोपाइल लगा दिया और इस तरफ तीन कार्बन तो लगाए लेकिन यहाँ पे सी एच लगा दिया। फॉर्मूला चेक कर लो कि फॉर्मूला सेम है या नहीं सेम है, सेम ही होगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ना इसको हम मेटामर नहीं बोल सकते, इसको हम बोल सकते हैं पोजिशनल आइसोमर बोल सकते हैं, लेकिन इसको मेटामर नहीं बोल सकते। हम मेटामर इसलिए नहीं बोल सकते, मेटामर में क्या होता है,
कि इधर कार्बन चेन जितने की है और इधर कार्बन चेन जितने की है वो डिफर करनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, इधर वन कार्बन है और इधर कितने कार्बन है आपके, फोर कार्बन, दिख रहे हैं, क्लियर है। यहाँ पे आपके टू कार्बन है और यहाँ पे कितने कार्बन है, थ्री कार्बन। अगर इसको देखो तो ये भी टू कार्बन एक तरफ हो गया और दूसरी तरफ थ्री कार्बन हो गया, तो कार्बन चेन डिफरेंट नहीं है। आपकी पोजिशन आप कह सकते हो, क्यों, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है ना इसकी पोजीशन चेंज हो गई। अब इसका आईपैक लिखना है, जैसे इसका लिखना था हमें तो हमने मेथॉक्सी ब्यूटेन लिखा था, अगर इसका लिखना है तो छोटा ग्रुप ये वाला दिख रहा है तो हम एथॉक्सी लिख सकते हैं, और एथॉक्सी के साथ क्या लिखे, प्रोपेन लिखते हैं। क्लियर है ये बात सबको, ईथर का ऐसे ही लिखते थे हम। अब अगर हमें ये वाले का लिखना है तो हम लोग क्या करें, छोटा ग्रुप कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, देख पा रहे हो, तो छोटा ग्रुप ये है तो ये एथॉक्सी तो होगा, लेकिन इस कार्बन की इस ऑक्सीजन की पोजीशन देखो, वन टू थ्री ऐसे काउंटिंग होगी। पहले तो स्ट्रेट चेन थी, अभी हमारे पास स्ट्रेट चेन नहीं है, कैसी चेन है, आइसोप्रोपाइल होने की वजह से इस तरीके की चेन आ गई। वन टू थ्री, तो अब इसका नाम, नाम में केवल कितना चेंज आएगा, ये आपका एथॉक्सी प्रोपेन था, ये भी एथॉक्सी प्रोपेन होगा, लेकिन ये जो एथॉक्सी ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड एथॉक्सी, तो ये जो एथॉक्सी ग्रुप है ना ये सेकेंड पोजिशन पे है, तो इसका नाम होगा टू एथॉक्सी प्रोपेन। तो आप देख पा रहे हो कि कार्बन चेन वही बनी हुई है, इसमें भी और इसमें भी, चेंज क्या हुआ, ये जो एल्कॉक्सी हम लिख रहे थे उसकी पोजीशन चेंज हुई, यहाँ पे वन एथॉक्सी था, यहाँ पे टू एथॉक्सी हो गया। तो ये दोनों की अगर हम बात करें तो ये दोनों मेटामर नहीं होंगे, ये दोनों एक दूसरे के होंगे पोजीशन आइसोमर। हाँ ठीक है, और इन दोनों की अगर बात करो, ठीक है, तो ये होंगे एक दूसरे के क्या, मेटामर्स। तो मेटामर का कॉन्सेप्ट समझ गए, मेटामरिज्म का कॉन्सेप्ट, फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे वो करेगा, मूव करेगा, कार्बन एंड्स के बीच में। जैसे ईथर का एग्जांपल हमने ले लिया था, अगर हम सेकेंडरी एमीन की बात करें, प्राइमरी एमीन इसमें नहीं हो सकता, वन डिग्री अमीन नहीं शो कर सकता, क्यों, क्योंकि वन डिग्री अमीन कहाँ पे होता है, एंड पे होता है कार्बन चेन के, RNH2 तो एंड पे होता है ना, तो ये नहीं शो कर सकता मेटामेरिज्म। सेकेंडरी अमीन करेगा टू डिग्री अमीन, क्यों, क्योंकि टू डिग्री अमीन में R और R के बीच में क्या आता है, NH, फंक्शनल ग्रुप ये है, तो कोई भी वो फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन चेन के बीच में होता है वो शो कर सकता है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि कीटोन भी कार्बन चेन के बीच में होता है, लेकिन कीटोन ऐसी आइसोमेरिज्म नहीं शो करते। अब कौन कौन से शो करते हैं, टू डिग्री अमीन कर सकता है, थ्री डिग्री अमीन कर सकता है, एस्टर भी बीच में आता है, ये एस्टर ग्रुप, तो ये भी शो कर सकता है आपका, एनहाइड्राइड भी बीच में आते हैं, ये भी शो कर सकते हैं, सल्फोनेट एस्टर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो C5H13N है आपका, ये एक थ्री डिग्री एमीन है, इस थ्री डिग्री एमीन के लिए आपसे पूछा गया है कि मेटामर्स बताइए, ठीक है, तो C5H13N है तो और कौन से बताने हैं आपको, थ्री डिग्री वाले ही बताने हैं केवल, तो आप पांच कार्बन का बनाना है तो क्या किया इन्होंने, दो कार्बन इधर, दो कार्बन इधर, एक इधर ऊपर लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया इन्होंने, तीन कार्बन एक तरफ कर दिए, एक कार्बन इधर और एक इधर लगा दिया, फिर उसके बाद क्या किया, एक तरफ तीन कार्बन और एक कार्बन पे एक साथ दो ना लगा के दो तरफ से लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या बन जाएंगे, मेटामर्स। इसमें इनको मेटामर क्यों बोला, क्योंकि अगर हम स्ट्रेट चेन कार्बन चेन की बात करें तो कार्बन चेन के एंड्स के बीच में ये जो एन है ये मूव कर रहा है, यहाँ पे अगर देखो तो दो कार्बन इधर, दो कार्बन इधर और फिर ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे देखो तो तीन कार्बन वन कार्बन, यहाँ पे देखो तो टू कार्बन और ये वन कार्बन के बीच में, ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, ये वाले तो अलग हो गए, क्लियर है बात।
एच के साथ ये स्ट्रक्चर नहीं लिखा हुआ, अगर हम एच के साथ लिखेंगे तो ये आपका फॉर्मूला पूरा कंप्लीट कर देगा। अगर हम ऐड करें तो हाइड्रोजन 13 होंगे, 5 इधर हो गए, 5 इधर 10 और ये 3, और एन तो 1 ही है और कार्बन 5 है। क्लियर है? और ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हम लोग बात कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, इसमें एक और छूट गया टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म वर्ड सुना हुआ है कभी? कहीं सुना है क्या? यस और नो भाई बताओ तो। अच्छा पढ़ा था 11th में। अच्छा देखो भाई, टॉटोमेरिज्म क्या होता है, क्या स्पेशलिटी होती है? ये एक स्पेशल तरीके का फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। फंक्शनल ग्रुप जैसे ही बोल दिया, इसका मतलब क्या होगा? जो आइसोमर्स होंगे उनमें क्या चेंज होगा? फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा, डिफरेंट होगा, फॉर्मूला तो सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइसोमर की तो कंडीशन ही है ये। इसमें होता क्या है, जो भी आइसोमर्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में होते हैं। मतलब कोई कंपाउंड ऐसा होगा जो कभी एक आइसोमर के फॉर्म में दिखाई देगा आपको, और हो सकता है थोड़े टाइम बाद वो सेकेंड आइसोमर्स के फॉर्म में दिखाई दे। एक दूसरे में ये इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें तो इसका एग्जाम्पल, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ऐसे आइसोमर्स जो होते हैं वो होते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इसमें अगर एग्जाम्पल हम देखें तो पहला एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, पहले को बोलते हैं हम लोग कीटो इनॉल। कीटो इनॉल में क्या है, देखो जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, कीटो का मतलब कीटोन ग्रुप की बात हो रही, और इनॉल का मतलब होता है डबल बॉन्ड और अल्कोहल ग्रुप की बात हो रही। तो एक आइसोमर ऐसा होगा जिसमें कीटोन ग्रुप होगा, और एक आइसोमर ऐसा होगा जिसमें कौन सा ग्रुप होगा आपका, एक आइसोमर में कीटोन और दूसरे वाले में, सेकेंड आइसोमर में आपका डबल बॉन्ड और अल्कोहल ग्रुप होगा, और ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना ए कन्वर्टेड इंटू बी, ऐसे ही तो इक्विलिब्रियम लिखते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में और बी भी कन्वर्ट हो रहा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन चल रहे हैं और दोनों इक्विलिब्रियम में। तो ऐसा ही होता है, कभी कीटो फॉर्म इनॉल में चेंज होता है, कभी इनॉल फॉर्म कीटो में चेंज होता है। अब कैसे इसमें चेंज आएगा देखिए, जैसे अगर हम बात करें CH3CO CH3 की, तो इसको हम बोलते हैं एसीटोन, जनरल फॉर्मूला होता है। इस एसीटोन में कीटो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, आयुपैक नेम होता है इसका प्रोपेनोन। ठीक है, तो इस ये कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म।
अब ये इनॉल फॉर्म में कैसे चेंज होता है देखिए, यहां का जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो यहां मूव करेगा और यहां पे डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये जो एच है ये यहां पे मूव कर जाएगा। तो दूसरा जो ग्रुप बनेगा वो कैसे बनेगा, यहां पे सी एच टू हो गया, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, ये वाला कार्बन वैसे का वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह सिंगल हो गया और ये ओ एच आ गया। अब यहाँ पे देखो कौन सा ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको, डबल बॉन्ड ईन दिख रहा है और एल्कोहल भी दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ईन ऑल फॉर्म, इन ऑल फॉर्म। और ये कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म। ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं एक दूसरे से डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। क्लियर है बात सबको? अब देखो जैसे एक और बनाते हैं हम लोग, जैसे ये है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच ओ एच, ठीक है। अब अगर इसको हम देखें तो ये कौन सा फॉर्म हमें दिखाई दे रहा है, ये हमें दिख रहा है ईन ऑल फॉर्म दिख रहा है, इसको हमको कन्वर्ट करना है कीटो फॉर्म। तो कीटो फॉर्म में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो क्या करें, अभी जो किया था उसका रिवर्स कर देते हैं। यहाँ पे आपका क्या दिखाई दे रहा है, ओ एच दिखाई दे रहा है। अब ये वाले ओ एच को हम लोग कहाँ पे ले जाएं, अगर हम चेंज करें तो आपका ये डबल बॉन्ड को आप ले जाओ यहाँ पे और इस H को ले आओ आप यहाँ पे, तो देखो क्या होगा, ये सी एच थ्री हो जाएगा, ये सी एच का सी एच रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये ऐसा नहीं दिखता है बेसिकली। H अगर हम लगा देंगे तो ऐसा लगेगा H के साथ बॉन्ड है, H को ऊपर ही रखते हैं। तो ये इन ऑल फॉर्म था और यहाँ पे कौन सा फॉर्म आ गया आपका, ये कीटो ग्रुप है तो कीटो फॉर्म आ गया, ये एल्डिहाइड है। क्लियर है बात? अब ये जो टोटोमेरिज्म है इसके और भी नाम होते हैं, जैसे इसको हम लोग डेस्मोट्रोपिज्म भी बोलते हैं, या इसको एक और नाम देते हैं प्रोटोट्रॉपी। प्रोटोट्रॉपी इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रोटॉन का मूवमेंट होता है। और ये जो टोटोमेरिज्म है इसमें जो आइसोमर्स हैं, जो फॉर्म है आपके कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, और ये जो इंटर कन्वर्जन होता है ये आपका ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे होता है। इनका जो इंटर कन्वर्जन होगा वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे होता है। इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप हीट करोगे या टेम्परेचर लो करोगे तब, नॉर्मल टेम्परेचर पे एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते। एक और कंडीशन थी इसकी, अब देखो जैसे ये कंपाउंड है, ठीक है, अगर इसकी हम बात करें
तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं क्या? भाई एक कीटो ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दें, अगर हम ये दो कीटो ग्रुप को वैसे ही रखो, एक को क्या करो आप अल्कोहल में कन्वर्ट करो। जब इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करोगे इधर से एक एच जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर देखो आप तो फॉर्मूला सेम है क्या, ये कितने कार्बन है, फोर कार्बन है ना। ऑक्सीजन आपको कितने दिख रहे हैं, थ्री दिखाई दे रहे हैं, और हाइड्रोजन देख लो कितने होंगे यहाँ पे, भाई चार बॉन्ड कंप्लीट है, चार यहाँ पे भी चार यहाँ पे भी, तो यहाँ पे ही होगा केवल हाइड्रोजन। ये होगा फॉर्मूला इसका, यस और नो। अब इसको देख लो, इसमें अगर देखो आप तो चार कार्बन तो आपके चार ही दिखाई दे रहे हैं, ऑक्सीजन आपके थ्री है ही है। अब हाइड्रोजन देख लो, अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे हो गए आपके हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पे है नहीं, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपका सी एच होगा, तो एक हाइड्रोजन होगा, हाँ, और एक ये वाला हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला सेम है, देख रहे हैं, एक में केवल कीटोन ग्रुप, कीटो ग्रुप दिख रहा है, नॉट कीटोन, कीटो ग्रुप, और दूसरे वाले में कौन सा दिख रहा है, डबल बॉन्ड भी आ गया और ऑल भी आ गया। ये वाला जो कीटोन ग्रुप था, कीटो ग्रुप था, वो कन्वर्ट हो गया इनो, ठीक है। तो ये एरोमेटिक का एग्जांपल हो गया। क्लियर है बात? टाइम बताइए जरा आप लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमर्स की। स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर्स में आपके ग्रुप वगैरह सेम होंगे, जैसे यहाँ पे क्या है, ग्रुप सेम होंगे, जो भी फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, जो भी कार्बन चेन है, वो सारा सब कुछ सेम होगा। डिफरेंस क्या होगा, ग्रुप्स का जो अरेंजमेंट होगा ना, वो स्पेस में 3D में डिफरेंट होगा। अब अगर हम बात करें स्टीरियो आइसोमर्स की, तो इसमें एक होते हैं कन्फिग्रेशनल और दूसरे होते हैं कन्फर्मेशनल, और कन्फिग्रेशनल को भी फर्दर डिवाइड किया गया है इन एंजियोमर्स एंड डायस्टेरोमर्स में। इन एंजियोमर्स क्या होता है, डायस्टेरोमर्स क्या होता है, ऑप्टिकल क्या होता है, ज्योमेट्रिकल क्या होगा, इसमें कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन ज्योमेट्रिकल शो करेगा, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर बात करो, जैसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में फोकस करते हैं। जैसे इसको देखो, तो ये कौन सा कंपाउंड है, कंपाउंड का नेम बोलो। इस कंपाउंड का नेम बोलो, आयुपैक, ब्यूटीन टू या ट्यू ब्यूटीन, चार कार्बन का एल्कीन है, देख पा रहे। अब देखो फर्स्ट कंपाउंड को अगर हम देखें, तो फर्स्ट कंपाउंड में यहाँ पे CH3, CH3 ऊपर की तरफ लगा हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। इस सेकेंड कंपाउंड को अगर ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पे CH3 CH3 इस कार्बन के एक साइड पे थे, और अगर हम इसको ध्यान से डायगनल्स पे देखें ग्रुप्स को, तो डायगनल्स पे देखो यहाँ पे CH3H डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, इधर भी देखो तो CH3H डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पे अगर देखो तो डायगनल पे CH3 CH3, और यहाँ पे डायगनल पे HH, यानी डायगनल पे यहाँ पे सेम ग्रुप लगे हुए हैं, तो इस पे डायगनल पे डिफरेंट है और इस पे डायगनल पे क्या है, सेम। और ये कहानी किसके अराउंड हो रही है, आपके डबल बॉन्ड के अराउंड। अब इसको अगर देखो थर्ड को, तो ये भी ब्यूटीन है, लेकिन यहां पे क्या है, ब्यूटीन वन है,
ठीक है। तो अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड की बात करें, जिसमें कि आपका ये आपको स्पेस में इसका अरेंजमेंट अलग दिखाई दे रहा है, CS3 और ये डायगनल पे डिफरेंट है आपके, बाकी सब कुछ सेम है, तो उनको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे पोजिशनल आइसोमर। जैसे कि यहाँ पे सेकेंड और थर्ड की बात की जाए तो ये पोजिशनल आइसोमर है, फर्स्ट और थर्ड की बात की जाए तो ये पोजिशनल आइसोमर है, लेकिन अगर हम फर्स्ट और सेकेंड की बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर। क्लियर है बात इतनी? हाँ, सिस एंड ट्रांस इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे डायगनल आपका डिफरेंट है तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं सिस, और डायगनली अगर डबल बॉन्ड के यहाँ पे ग्रुप्स लगे हुए हैं जो सेम है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस। क्लियर है बात? अब इसमें भी वही बात की गई है, सिस टू ब्यूटीन की बात कर रहे हैं और ट्रांस टू ब्यूटीन। अब ये ब्यूटीन टू है ना, ये कौन सा है आपका, सिस वाला है, और ये वाला कौन सा है आपका, ट्रांस वाला है। और ये एक अलग ही कैटेगरी हो गई। दूसरी चीज आती है कन्फर्मेशनल आइसोमर। कन्फर्मेशनल आइसोमर को लास्ट में बताते हैं इसमें। अब देखो, जैसे अगर हम बात करें डबल बॉन्ड की, कहीं पे अगर आपका सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड अगर आप ग्रुप का रोटेशन करवाते हो तो वो फ्री रोटेशन होता है, इसको हम लोग देखेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। लेकिन अगर आप डबल बॉन्ड के अराउंड ग्रुप्स को रोटेट करवाने की कोशिश करो तो डबल बॉन्ड में क्या होता है कि ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड कैसे बनता है, डबल बॉन्ड में हम क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड में हम यही तो बोलते हैं कि इसमें क्या होता है, 1 पाई एंड 1 सिग्मा होता है। और पाई बॉन्ड कैसा होता है आपका, लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। इतनी बात सबको क्लियर है? तो अगर लेटरल ओवरलैपिंग की आप बात करो तो लेटरल ओवरलैपिंग में क्या होता है, ऊपर और नीचे इस तरीके से पाई बॉन्ड का अरेंजमेंट होता है। लेटरल ओवरलैपिंग होगी आपकी कब, जब पाई बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे हम डबल बॉन्डेड कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो पाई बॉन्ड बनेगा, तो पाई बॉन्ड में ये पी की लेटरल ओवरलैपिंग होती है इस तरीके से, क्लाउड इस तरीके से ओवरलैप करता है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से ओवरलैप करता है, तो यहाँ पे दो जगह आपका एसोसिएशन होता है। इसलिए अगर इस बॉन्ड को हम रोटेट करना चाहें तो रोटेट नहीं होता, इसका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, रोटेट नहीं कर सकते आप। तो इस तरीके के रोटेशन को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन या हिंडर्ड रोटेशन, या यहाँ पे रोटेशन होगा नहीं, क्योंकि अगर आप रोटेट करना चाहेंगे तो ये स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के अराउंड अगर हम बात करें कि ग्रुप की पोजीशंस को, तो इसमें आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलते हैं, और इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में कैसी कैसी आइसोमेरिज्म देखी गई है, इसको हम बोलते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स। सिस ट्रांस में वही, सिस में क्या होगा, एट डायगनल आपके डिफरेंट ग्रुप होंगे और ट्रांस में एट डायगनल आपके सेम ग्रुप होंगे।
अब देखो इसको भी हम सिस ट्रांस कह रहे हैं। यहाँ पे देखो आप अगर ध्यान से, तो ये ए बी और ए बी इस तरीके के ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे ए ए और बी बी लगे हुए हैं। अगर इसको देखो आप, तो यहाँ पे ए एंड डी और यहाँ पे ए एंड बी, तो यहाँ पे दोनों ही डिफरेंट हो गए। यहाँ पे अगर देखो आप, तो यहाँ पे ए एंड ए और यहाँ पे डी एंड बी, तो मतलब आपका क्या है, सिस ट्रांस आप कब बता सकते हो? जब ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा कॉम्बिनेशन मिले, ठीक है, या कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा कॉम्बिनेशन मिले। इसका मतलब दो ग्रुप तो सेम हो और तीसरे और चौथे डिफरेंट हो, तो भी आप सिस ट्रांस बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? उन दोनों ग्रुप्स का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ, उनको स्पेस में 3D में ऐसे अरेंज कराओ कि आपके डिफरेंट ग्रुप जो हो वो आपके डायगनल पे प्लेस हो जाएं, और एक बार सेम ग्रुप को डायगनल पे प्लेस कर दो। तो इस तरीके से भी हम सिस ट्रांस बना सकते हैं। क्लियर है बात? मतलब कॉम्बिनेशन कैसे कैसे मिल सकते हैं हमको, C2A2B2 वाले भी और C2A2BD वाले भी मिल सकते हैं। क्लियर? अब इसको अगर हम एग्जांपल से देखें, तो जैसे इस कंपाउंड का नाम बताइए जरा। क्या बोलते हैं इसको? आई पैक बोलो। व्हाट कॉमा टू डाइक्लोरो एथीन, ठीक है भाई। अब क्या है यहाँ पे, अगर सिस फॉर्म है आपका तो Cl और H आपके अपोजिट लगा दो, और अगर ट्रांस फॉर्म है तो सेम ग्रुप आपके डायगनल पे प्लेस कर दो। तो ये सिस बन गया, ये ट्रांस बन गया। अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, यहाँ पे वाला कॉम्बिनेशन बना दिया। कौन सा वाला? C2A2BD वाला बना दिया। कैसे भाई? ये हो गया आपका A2, दो ग्रुप आपके सेम है, और तीसरा और चौथा आपने डिफरेंट ले लिया। अब इसमें क्या किया, एक बार क्या किया, डिफरेंट ग्रुप को डायगनल पे प्लेस कर दिया, दैट इज सिस। और एक बार ये जो A2 वाला है इसको आपने क्या किया, डायगनल पे प्लेस कर दिया, तो उसको हमने बोल दिया ट्रांस। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखो ये है आपका सिस और ये है आपका ट्रांस। कैसे है? ये आपका सिस और इसका ट्रांसफॉर्म नहीं बना है। कैसे? ये देखो, ये 3 कार्बन की रिंग है अपनी, यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। ये आपका एक तरफ मिथाइल और एक तरफ एच, और ये वाली जो पोजीशन है इस पे CH3 है। तो अपोजिट साइड में अगर हम देखें तो डिफरेंट ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये सिस फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे अगर देखो तो ये आपका रिंग स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे अपोजिट साइड में आपके मिथाइल मिथाइल लगा दिया, तो ये ट्रांस हो गया। अब ये थर्ड वाले की अगर बात करो, तो थर्ड वाले में इस कंपाउंड में क्या किया इन्होंने, यहाँ पे डबल बॉन्ड के अराउंड इधर 2 ग्रुप है, और इधर इस कार्बन रिंग के अराउंड और कोई ग्रुप नहीं लगाया, तो यहाँ पे क्या ट्रांस बना सकते हैं? सिस ट्रांस की हम बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्लियर है बात? अब ऐसा है कि टाइम भी हो गया और हमें क्लास ऑफ करनी पड़ेगी, हमारी बैटरी लैपटॉप की चली गई। ठीक है बच्चों।